कहना चाहूँगा, हमेशा यही कहता हूँ, आज ये भी कहना चाहूँगा, हमेशा अपनी बीवी की बात मानो, वो हमेशा सही होती है, रानी इसी वजह से होती है। पर एक एडवाइस गायत्री हमें देती है और हम उनकी बात नहीं मानते हैं और उसी की वजह से कुछ हो जाता है, हम काफ़ी कुछ लूज़ कर जाते हैं, हार जाते हैं। एंड उसी वजह से अभी रोना धोने का सीन है, रो रहा है राणा जी, हमने अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं मानी, ये वो फलाना ढिमकाना, बट यही है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इफ यू लिसन टू योर वाइफ विल बी हैप्पी मैन, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट। कि गायत्री का कैरेक्टर जो है, एक तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो स्ट्रेंथ और रेजिलियंस गायत्री दिखाती है, इट्स फिनोमिनल। पहले से ही गायत्री को शान शौहरत राजा रानी बनने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, पर उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आई थिंक दैट इज़ इवन ग्रेटर देन राणा जी स्ट्रेंथ, और वही उसे आगे बढ़ाव दिलाती रहती है, उसे स्ट्रेंथ देती रहती है। एंड आई थिंक दैट्स द वंडरफुल पार्ट अबाउट गायत्री'स कैरेक्टर, एंड आई थिंक अनदर रीज़न वाई राणा जी लव्स गायत्री सो मच।